स्त्री या पत्नी की सेक्स में उदासीनता फ्रिजिडिटी, इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त की महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। काफ़ी सारे लोग मेरे पास में आते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 50-55 उनकी उम्र रहती है, उनकी पत्नी की उम्र भी 45-50 ये रेंज में रहती है, और उनको कहना रहता है या उनको बोलते रहते वो कि भाई हमारी पत्नी जो है या मेरी पत्नी जो है उसकी इच्छा नहीं सेक्स में, और आजकल बहुत ही कम हो गई इच्छा, और वो इंटरेस्ट बताती नहीं है, फिर मुझे बहुत मनाना पड़ता है, और फिर वो बड़ी मुश्किल से तैयार हो जाती है, बोलती है उम्र में ठीक नहीं है या अभी बच्चे बड़े हो गए हैं वगैरह या थक गई हूँ, ऐसे अलग अलग कारण देते रहते हैं, या दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द है, इधर दर्द है, उधर दर्द है, और फिर वो सेक्स में इंटरेस्ट नहीं बताती। अब इसमें क्या कारण हो सकते हैं वो देखेंगे। एक तो है कि स्त्री को जो है वो अपने पार्टनर के प्रति इंटरेस्ट नहीं रहता या डिसलाइक हो जाता है, मतलब अच्छा लगता नहीं, उसके मन में कुछ ना कुछ झंझट झगड़े से ऐसा एक द्वेष निर्माण होता है या लाइकिंग निकल जाता है, अपनापन निकल जाता है, तो एक कारण हो सकता है। फिर अपने पार्टनर का एक तरह का जो शरीर को मांस आता है तो उसमें कुछ तो भी गड़बड़ हो गई, या अलग तरह का एक बांस आ जाता है उनके शरीर को, या ओडर आता है बॉडी ओडर, तो उसमें उनको डिसलाइक पैदा हो सकता है, या अलग तरह का ओडर आना शुरू हो तो उनको अच्छा लगता नहीं है। फिर उनका बिहेवियर जो है कि भाई वो आते हैं सेक्स करते हो चले जाते, उसके पहले भी कुछ पूछते नहीं, बाद में कुछ पूछते नहीं, तो वो चाहिए क्या है, मेरी भावना क्या है, ऐसा उनको कुछ नहीं, वो काम करके निकल जाएंगे, तो उसको इच्छा नहीं होती कि भाई अपना है, मेरी इच्छा पूरी होने के पहले वो निकल जाते हैं अलग होके, तो हो सकता है। फिर आपसी संबंध जो है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, उसमें बिगाड़ हुआ है, झंझट झगड़ा बहुत हो चुका है, और उसके वजह से फिर वो डिस्टर्ब रिलेशनशिप है, और एक दूसरे को चाहते नहीं है, तो फिर वो स्त्री की इच्छा होती नहीं है। फिर घर में किसका निधन हुआ है तो मूड ठीक नहीं है, या कुछ नुकसान हुआ है, या फिर पति के ऊपर शक है, या कुछ मानसिक बीमारी जैसा निराशा है, डिप्रेशन है, स्किजोफ्रेनिया है, या उसको लगता है कि नहीं अभी मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ, तो फिर जब MC चालू है समझो, और प्रेगनेंसी उसको डर है, प्रेगनेंसी का गर्भधारणा हो सकती है, तो उसमें उसको इंटरेस्ट निकल जा सकता है, या उसको कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज का डर लगता है खामोखा कि भाई मुझे डर हो जाएगा, मतलब लैंगिक कोई बीमारी हो जाएगी तो उसमें उसको डर लगता है, या फिर कोई उसको ओवेरियन सिस्ट वगैरह के कारण, या कोई योनि की बीमारी है योनि की, और उसमें इन्फेक्शन है, उसमें लाली आ गई है, तो फिर उसके वजह से उसको दर्द होते रहता है, तो वो चाहती नहीं है। कुछ दवाइयाँ जो है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, मतलब ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ जो है वो दवाइयाँ, डिप्रेशन की दवाइयाँ, ऐसी जो दवाइयाँ हैं कि वो दवाई खाते से, या ट्रैंकुलाइजर से, मतलब कि भाई एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन से कि वो दवाइयाँ खाते हैं, तो फिर उससे उनको मतलब इच्छा निकल जाती है। तो ऐसे काफ़ी सारे कारण होते हैं। एक्चुअली कारण जो है वो है कि हमारे, मतलब एक्चुअली कारण हमको मालूम ही नहीं है, और हमारे समाज में, हमारे कल्चर में ऐसा हो गया कि नहीं अभी बच्चे बड़े हो गए, अभी इतनी प्राइवेसी रही नहीं है, बच्चे बड़े हो गए अभी वो बहुत लेट आते हैं, लेट सोते हैं, तो फिर अपने को घर में जगह नहीं मिलती है, मतलब अलग से कि भाई अपन अलग से सो जाएंगे, या अलग कमरा नहीं है, या फिर उनको डर लगता है कि नहीं एक दूसरे के कमरे में जा सकते कुछ सामान लाने के लिए वगैरह उठा देंगे, तो ऐसे इसमें उनको लगता है कि नहीं अभी करना नहीं चाहिए। और फिर आदमी जो है वो, मतलब पुरुष जो है वो असमाधान रहता है, उसको लगता है कि नहीं मुझे तो चाहिए ही, और हमारे समाज में ऐसा है कि स्त्री का एक ऐसा हो चुका है कि नहीं अभी बहुत हो गया, या बच्चे हो गए, बड़े हो गए, अभी इतना इंटरेस्ट नहीं रहा, हो सकता है कि उसको समाधान ही मिलता नहीं है। मतलब पुरुष आता है उसके साथ में, ज़्यादा फोरप्ले नहीं, सेक्स कर लेता है, एक बार इजैकुलेशन हो गया, पतन हो गया, उसके बाद में अलग हो जाना, बाद में सो जाना, तो उसको लगता है कि मेरा वापर करके ले रहा है, और फिर उसमें उसको अच्छा लगता नहीं और इंटरेस्ट निकल जाता है। सबसे बेस्ट यह है कि इसमें ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट यह है कि आपसी संबंध सुधारो, पहले आपस में क्या बिगाड़ आया हुआ है, क्या गैप है आपस में दोनों में, लाइकिंग क्यों निकल गई है, क्या शक आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, तो वो देखना पड़ेगा। फिर प्राइवेसी का एक कारण है। फिर स्त्री को क्लाइटोरिस को स्टिमुलेशन देने के बाद में बहुत ज़्यादा उत्तेजना होती है, तो क्लाइटोरिस स्टिमुलेशन बराबर हो रहा कि नहीं हो रहा है, तो वो देखना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें देखें तो उसमें स्त्री को यदि इंटरेस्ट आ गया तो ना बोलेंगे नहीं। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा दवाई लेने के पहले कि भाई स्त्री को जो है वो इंटरेस्ट आने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, वहाँ क्या मिस हो रहा है, तो और वो यदि वहाँ से मिसिंग निकाल लिया, उनका प्यार यदि पहला जो था, पहला साल शादी के बाद का वो साल जैसा फिर से रिलेशनशिप तैयार हो जाती है,
तो फिर तो सेक्स में प्रॉब्लम आएंगा ही नहीं, कोई दवाई लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं। याद करो कि शादी के बाद का पहला साल और अभी कितना अंतर हुआ है, और वो यदि हम फिर से लाते हैं, वो लव, वो प्यार, वो सेक्स, वो उत्तेजना जो पहले साल में थी शादी के, वो लाते हैं, तो कोई दवाई की जरूरत पड़ेगी नहीं, कोई प्रॉब्लम आएगा भी नहीं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो।